टीम इंडिया की करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने खोल दी दिग्गज खिलाड़ियों की पोल। विराट कोहली से लेकर बड़े से बड़े तूफानी बल्लेबाज का नहीं चला बल्ला, ऐसे कैसे चलेगा भैया। दुनिया की नंबर वन टीम बनते बनते रह गई इंडिया, फाइनल जीतना तो छोड़िए पहुंचना हो गया मुश्किल। टीम इंडिया की करारी हार के पीछे ये है सबसे बड़ा कारण, शर्मा जी ने भी मान लिया अपनी गलती। जी हाँ, दुनिया की नंबर वन टीम बनने जा रही भारतीय टीम इतनी बुरी तरीके से मैच हार गई, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही क्रिकेट प्रेमियों को इसकी भनक लगी, सोशल मीडिया पर लोगों ने खिलाड़ियों को कोसना शुरू कर दिया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय टीम की करारी हार के पीछे का क्या सबसे बड़ा कारण है और कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की करारी हार पर क्या बयान दिया जिससे हंगामा मचा हुआ है। साथ ही ये भी बताएंगे कि दुनिया की नंबर वन टीम बनने वाली भारत फाइनल जीतना तो छोड़िए फाइनल में भी पहुंच पाएगी या नहीं। होलकर स्टेडियम को टीम इंडिया का अभेद्य किला कहा जाता है, लेकिन स्टीव स्मिथ ने कप्तानी संभालते ही इसे भेज दिया। इंदौर में खेले गए तीसरे टेस्ट को तीसरे दिन ही 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। सीरीज में भारत अभी भी 2-1 से आगे है। चौथा टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा, मगर उससे पहले मिली इस करारी हार के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की दावेदारी खतरे में पड़ चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इसी साल जून में इंग्लैंड के ओवल में होना है। इन हालातों में भी भारत WTC फाइनल में जगह बनाने के लिए अच्छी स्थिति में होगा, हालांकि उन्हें इंतजार करना होगा और देखना होगा, और श्रीलंका के खिलाफ 9 मार्च से शुरू होने वाली सीरीज में न्यूजीलैंड की जीत की कामना करनी होगी। WTC स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद श्रीलंका अगर दोनों टेस्ट में कीवी टीम को हरा देता है तो वो WTC फाइनल में जगह बना लेगा। यदि अहमदाबाद में 9 मार्च से शुरू होने वाला टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ तो सीरीज में भारत को 2-1 से जीत मिलेगी। इसी के साथ इंडिया का जीत प्रतिशत घटकर 59% रह जाएगा। हालांकि तब भी श्रीलंका के पास WTC के फाइनल में भारत को पछाड़ने का एकमात्र मौका होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। कमाल से ये होगा, ये बेहद मुश्किल है कि लंकाई टीम न्यूजीलैंड को उसके घर में जाकर वॉल्ट वॉश कर दे, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इंदौर में हार के बावजूद संभावनाएं भारत के पक्ष में, लेकिन अहमदाबाद में एक हार भारत की उम्मीदों को झटका देने के लिए काफी है। बल्लेबाज ट्रेविस हेड और लाबुशेन ने 76 रन के टारगेट के लिए शानदार अर्धशतक की साझेदारी निभाई। पहली पारी में 3 तो दूसरी पारी में 8 विकेट लेने वाले नाथन लियोन को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की सलामी जोड़ी उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की। हालांकि ख्वाजा पहले ही ओवर में अश्विन के शिकार बने, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने कोई मौका नहीं दिया। इंदौर टेस्ट मैच महज 2.5 दिनों में खत्म हो गया, जिसके बाद पिच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की राय थोड़ी अलग है। रोहित शर्मा ने भारत में स्पिनरों की मददगार पिचों की वकालत करते हुए कहा कि ऐसी पिच टीम की ताकत है और संघर्ष कर रहे बल्लेबाजों को इस पर रन बनाने का तरीका ढूंढना होगा। रोहित ने कहा कि 9 मार्च से अहमदाबाद में अंतिम टेस्ट में टीम स्पिनरों की मददगार पिच पर खेलना चाहेगी। रोहित ने तर्क दिया कि उनकी टीम ऐसी पिचों पर लगातार 15 सीरीज में जीत दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हम आमतौर पर सीरीज से पहले तय करते हैं कि किस तरह के पिचों पर खेलना चाहेंगे। ऐसी पिच पर खेलना हमारा फैसला था। मुझे नहीं लगता कि हम बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे हैं। हम जीतते हैं तो सब अच्छा लगता है। हमसे हमारी बल्लेबाजी के बारे में नहीं पूछा जाता, भारतीय कप्तान ने कहा। जब हम हारते हैं तो इस बारे में बात की जाती है। हमने इस तरह के पिचों पर खेलने का फैसला किया है और हम जानते हैं कि हमें चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। रोहित ने आगे कहा कि अगर ईमानदारी से कहूं तो पिच को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है। जब हम भारत में खेलते हैं तो ध्यान केवल पिच पर होता है। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। इससे पहले नागपुर और दिल्ली की पिच पर भी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन इंदौर की पिच पर गेंद खेल की शुरुआत से ही काफी अधिक टर्न कर रही थी। दिलीप वेंगसरकर, मैथ्यू हेडन और मार्क वा उन पूर्व क्रिकेटरों में से हैं जिन्होंने कहा था कि पिच टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। लगातार तीसरी बार 3 दिन के अंदर खेल खत्म हुआ, लेकिन भारतीय कप्तान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पूर्व क्रिकेटर्स इस तरह की पिचों पर खेलें। इस तरह की पिचों पर हम खेलना चाहते हैं, ये हमारी ताकत है। इसलिए जब आप घर में खेल रहे हों तो आप हमेशा अपनी ताकत से खेलते हैं और इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। रोहित ने कहा, हमारी ताकत स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी की गहराई है। हम जब विदेश यात्रा करते हैं तो अन्य टीमें अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाती हैं। पूर्व खिलाड़ियों ने यह भी तर्क दिया कि टेस्ट मैच का 5 दिनों तक नहीं चलना इस खेल के लिए अच्छा नहीं है। मैच जल्दी खत्म होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूं? मैच को 5 दिनों तक चलने के लिए खिलाड़ियों को अच्छा खेलना होगा। भारत के बाहर भी मैच 5 दिनों तक नहीं चलता। गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका में 3 दिनों में खेल खत्म हो गया। ये कौशल के बारे में है। लोगों को कौशल के अनुकूल होना होगा। अगर पिच गेंदबाजों को मदद कर रही है तो बल्लेबाजों को अपना कौशल दिखाना होगा।